लब्बैक के सरबराह सादर रिज़वी की नज़रबंदी कालादम करार दे दी गई है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की हाई कोर्ट ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह सादर रिज़वी की नज़रबंदी खत्म कर दी है। खबर की तफसील जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तहरीके लब्बैक से मुतल्लिक हर खबर आप जान सकें। हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जुम्मे को इस मुकदमे की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौकफ था कि जमात मुकम्मल मजहबी जमात है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि तहरीक लब्बैक ने गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर न करने पर इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया था, जिसके बाद हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर दर्जनों रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया और नुक्से अमन आमाक के तहत नज़रबंद किया गया। उन्होंने बताया कि 3 माह नज़रबंदी के बाद दरख्वास्त गुजार को लाहौर हाई कोर्ट के रिव्यू बोर्ड के सामने पेश किया गया, मगर रिव्यू बोर्ड ने नज़रबंदी में तौसीह नहीं की, जिसके बाद दोबारा दरख्वास्त गुजार को 3 MPO के तहत 3 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया। लिहाजा अदालत मौलाना सादर रिज़वी की नज़रबंदी कालादम करार दे। सरकारी वकला ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए मुस्तरद करने की इस्तदा की। अदालत ने फ्रिक्वेन के वकला के दलाइल के बाद फैसला सुनाते हुए नज़रबंदी को कालादम करार दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक हर खबर आप तक पहुंचती रहे, आप हर खबर से आगाह रहें, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।